Hey guys, what's up? Welcome back to the channel with a new video. And आज जो मैं आपको बताने वाला हूँ ये है कैलेंडुला के बारे में. कैलेंडुला की जो सीड्स हैं उसको आप कैसे सेव कर सकते हैं अगले साल के लिए, ताकि आपको अगले साल नए पौधे खरीदने ना पड़े, आप खुद से बना सकते हैं नए पौधे. तो गाइस, ये एक विंटर प्लांट है और विंटर फ्लावरिंग प्लांट है, और इसका जो सीजन है अभी ख़त्म होने को है, तो इसमें बीज आना भी शुरू हो गए हैं. तो अभी हम इसके जो है बीज निकाल लेंगे काट के, और ये ज़्यादा मेंटेनेंस लगता नहीं है इस प्लांट में. ये बहुत ही मेंटेनेंस फ्री प्लांट है और ज़्यादा कुछ लगता नहीं है इसमें, ना पेस्टिसाइड ज़्यादा लगता है ना ही खाद ज़्यादा लगता है. तो मैं अभी काट लूँगा इसमें से जो सूख गए हैं अच्छे से. तो गाइस, और एक बात ये है कि इसके जो बड़े बड़े सीड्स हैं वो ही अच्छे सीड्स हैं, और वो ही जो है आप अगले साल जर्मिनेट कर सकते हैं. इसके छोटे छोटे जो सीड्स जैसे दिखते हैं वही सीड्स हैं, लेकिन वो जर्मिनेट नहीं होता है मोस्ट ऑफ द टाइम. मैंने जितने भी बार किए हैं वो छोटे छोटे वाले जर्मिनेट नहीं होता है, और बड़े वाले में जर्मिनेशन की जो परसेंटेज है वो ज़्यादा होती है. अभी इसके बाद हमको क्या करना है, इसको आप एयर ड्राई होने के लिए घर के अंदर ही कहीं पे रख दें एक या दो दिन. उसके बाद आप इसको किसी भी एयर टाइट कंटेनर में रख सकते हैं. अगले साल आप इससे नए पौधे बड़े आराम से तैयार कर सकते हैं. अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें. अगर कुछ और जानना हो तो आप इसमें कमेंट कर सकते हैं.